अब इतनी बड़ी घटना सारे पदाधिकारी जज मंत्रालय 1 किलोमीटर के रेडियस पे, थाना 0.5 किलोमीटर भी नहीं, रास्ते एक, और उसके बाद जिस तरीके से सातीर अपराधियों ने शूटर हायर किया गया, ये किसी अपराधियों ने अंजाम नहीं दिया है, शूटर को हायर किया गया, मरवाने वाला कोई और है, मारने वाला शूटर है, इसका कनेक्शन छोटा नहीं है, पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार जी 3 महीने के अंदर आप संकल्प लें अपराध और अपराधियों को मिटा देने का, सभी दल संकल्प लें लोकतंत्र का कि जितने दल में अपराधी जनप्रतिनिधि हैं सबको पार्टी से बाहर करें, जितने माफिया हैं भू माफिया, मुजफ्फरपुर में 5 हत्या हो चुकी है, हर दिन मासूम बच्चियों को बलात्कार करके जला दिया जाता, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जांच बहुत अत्यधिक रूप से हो, किसी भी कीमत पर, हर परिस्थितियों में, और जरूरत हो तो इस जांच को सीबीआई से करानी चाहिए नीतीश कुमार जी को, ताकि कौन कौन इसके पीछे हैं, पॉलिटिकल हैंड्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हैंड्स भी हो सकता है, और भी संभावना है इसमें इन्वॉल्व होने की, कनेक्शन एयरपोर्ट से लेकर छपरा और किस बड़ी राजनीतिक हस्तियों के नाम भी आ सकते हैं, इसलिए जांच सीबीआई से हो। और नीतीश जी, अपराध और अपराधी 3 महीना काफी होता है, एफिडेविट के साथ आप हमको दे दीजिए ना 3 महीने, और उसके बाद अपराध और अपराधी का खात्मा ना हो तो आजीवन संन्यास राजनीति से एफिडेविट के साथ। कल कांग्रेस ऑफिस में बिहार प्रभारी के सामने 30 दस जमकर कुर्सी चिल्ला और मारपीट हुई, कैसे देखते हैं इस घटना? मुझे लगता है कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को एक बार कांग्रेस सफाई अभियान करनी चाहिए, ये जो जरदगब लोग निकम्मे लोग जो कांग्रेस में है ना, जिनको कहीं नहीं पूछता, ना समाज में प्रासंगिक हैं और ना कहीं, ऐसे लोग कांग्रेस को समाप्त कर दें। कांग्रेस की आइडेंटिटी बहुत ऊंची है और मैं समझता हूं कि अविलंब कांग्रेस को बिहार नेतृत्व को मजबूत हाथ में देना चाहिए, बदलना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो बार बार ऐसी हरकत करते हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस 1 से 2 3 महीने के अंदर मजबूत संगठन का ढांचा तैयार करेगी और कांग्रेस को अब बैसाखी का सहारा नहीं लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए। कांग्रेस यदि बिहार में कमजोर हुई है तो उसके सबसे बड़े कारण उनकी एलायंस पार्टी है, उनका गठबंधन है। कांग्रेस यदि अकेला अभी से चलने का निर्णय ले तो कांग्रेस बहुत सशक्त और मजबूत हो सकती है, लेकिन संगठन किसी मजबूत और सामाजिक प्राणी के हाथ में देना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।